पुलिस बाजार खंडाइलात में दो स्थानीय टैक्सी चालकों पर हमले की कुछ दिन बाद इस खासी हिल्स लोकल टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने सोमवार को खासी हिल्स स्वेट जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य टितो स्वेल खाइन से मुलाकात की और मांग की कि गैर आदिवासी टैक्सी चालकों को बिना श्रम लाइसेंस और व्यापार लाइसेंस की आवेदन करने के लिए कहा जाना चाहिए। एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को उठाने के लिए KHADC CEM और प्रबंधन के प्रभारी EM से मुलाकात की। एसोसिएशन के अध्यक्ष वन दनबक जरुआ ने कहा कि उन्होंने KHADC से सख्ती से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ट्रेडिंग लाइसेंस केवल वास्तविक व्यक्ति को ही जारी की जाए। जिरुआ के अनुसार गैर आदिवासी चालकों के पास वैध श्रम लाइसेंस के साथ साथ व्यापार लाइसेंस भी होना चाहिए, जबकि गैर आदिवासी टैक्सी मालकों के पास वैध व्यापार लाइसेंस होना चाहिए। जिरुआ ने कहा कि एसोसिएशन के पास शिलोंग की सड़कों पर कितनी गैर आदिवासी चालक चला रहे हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और कहा कि कई गैर आदिवासी चालकों के पास स्थायी पता भी नहीं है और उनमें से कुछ अपने वाहन में ही सोते हैं। एसोसिएशन के बैनर तले शिलोंग में लगभग 3000 स्थानीय टैक्सी चल रही है, जबकि 5000 से अधिक ऐसी टैक्सियाँ पूरी पूर्वी खासी हिल्स जिले में चल रही है।